स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्कूल इंग्लिश ई लर्निंग एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, इट मींस चैप्टर नंबर 9, डेटा हैंडलिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर क्वेश्चन इज गिवन, इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय 40 students. Arrange these marks in a table using tally marks. So here we have to create tally marks table. यहाँ ये सभी क्या है? These all are marks. Okay? So यहाँ marks given है. We have to make tally marks table. So your question is given. Find how many students obtained marks equal to or more than 7. And the second question is, how many students obtained mark below 4? First of all, हम क्या करेंगे? यहाँ ये सभी marks given है, so we have to make tally marks table. Understood? So यह question जो given है, so ये question में सबसे lowest mark है 1. Understood? यहाँ 1 है, this is also 1. And यहाँ then next highest mark क्या है? Total highest mark है total 9, right? यहाँ 9 है, this one is also 9 and this one is also 9. तो total 3 students को 9 marks मिले हैं. So यहाँ we have to give the following answers. Understood? So here we will create table. So I will write here table. Then first of all ये marks given है ना, ये सभी marks. So I will write here marks obtained. Then next column क्या होगा? We have to find tally marks, right? So I will write here tally marks. And the next one is total में, suppose 9 marks है, तो total कितने students को मिले हैं? It means I will write here number of students. Understood? So total I told that lowest mark kya hai? Total 1 and highest mark it means 9. So I will write here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Understood? Now next क्या करूँगी? So I will see here total 1 mark कितने students को मिले हैं? तो 1 and 2 है ना? So I will write here 1 and 2. तो total कितने students को मिले हैं? 2. Then next क्या है? 2 marks. तो total 2 marks कितने students को मिले हैं? So 1, 2 and 3 है ना? टोटल 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं, इट मींस 1, 2 एंड 3. यहाँ टोटल 3 है, 1 कट 2 कट एंड 3 कट. टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए? 3. देन नेक्स्ट 3 मार्क्स. तो 3 मार्क्स टोटल कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? सो 1, 2 एंड 3, राइट? सो आई विल डू हियर 1, 2 एंड 3. तो टोटल 3 मार्क्स मिले हैं 3 स्टूडेंट्स को. Understood? Now the next one है 4 marks. So 4 marks it means, so 1, 2, 3, then next क्या है? 4, 5, 6 and total 7. तो total 7 students को 4 marks मिले हैं, right? But tally marks में कैसे करते हैं? 7 कैसे लिखते हैं? So 1, 2, 3, 4. और जब 5 लिखना हो ना, तो ये 5 इस तरह, then next 6 and then 7. ये क्यों किया? सो हमें पता चलेगा ये 5 का बंच है, right? 1, 2, 3, 4 and this 5. तो डायरेक्ट हम काउंट करेंगे तो 5, 6 and 7. तो यहाँ है 7. Then the next one है 5 marks. So 5 marks कितने students को मिले हैं? So it means 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
सो टोटल कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 6. इट मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6. तो टोटल हो गए ना 6 स्टूडेंट्स. अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट वन है 6 मार्क्स. सो 6 मार्क्स टोटल कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? इट मीन्स सो यहाँ 1, 2, 3 देन 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. टोटल कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 7. सो आई विल राइट हियर 7. अंडरस्टूड? 1, 2, 3, 4, ये 5, 6 एंड 7. अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट वन 7 मार्क्स. सो 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? सो वी विल फाइंड 1, 2, 3, 4 एंड देन 5. तो टोटल कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 5. सो 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो आई विल राइट हियर 5. नाउ द नेक्स्ट वन है 8. सो 8 इट मीन्स सो 1, 2, 3 एंड 4. तो टोटल 4 स्टूडेंट्स. इट मीन्स 1, 2, 3, 4. इट मीन्स 4. नाउ द नेक्स्ट वन है 9. सो टोटल 9 मार्क्स, 1, 2 एंड 3, राइट? सो आई विल राइट हियर 9 मार्क्स है, टोटल 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं. नाउ वी नो दैट 1 मार्क्स इट मीन्स 2 स्टूडेंट्स को, देन 6 मार्क्स है तो 7 स्टूडेंट्स को मिले हैं. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? तो सबका टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 40. 40 क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और ये क्या है? टोटल मार्क्स. अंडरस्टूड? नाउ वी हैव टू गिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो योर क्वेश्चन इज गिवन है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन इक्वल टू और मोर देन 7 मार्क्स. सो मोर देन 7 या 7 से ज़्यादा, इट मीन्स 8 एंड 9, टोटल कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? सो आई विल राइट हियर टोटल कितने हैं. तो 7 में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 5. देन 8 में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 4. एंड 9 मार्क्स टोटल कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 3. 7 मार्क्स मिले हैं 5 स्टूडेंट्स को, 8 मार्क्स मिले हैं टोटल 4 स्टूडेंट्स को, एंड 9 मार्क्स टोटल मिले हैं 3 स्टूडेंट्स को, राइट? सो टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए? 12 स्टूडेंट्स. सो आई विल राइट हियर 12 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7. अंडरस्टूड? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4. सो बिलो 4 इट मीन्स 4 को काउंट हम नहीं करेंगे. सो बिलो इट मीन्स यहाँ 3, 2 एंड 1. टोटल 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? एंड देन 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? सो आई विल राइट हियर टोटल, यहाँ 1 मार्क्स है, 2 स्टूडेंट्स को मिले हैं ना, 1 मार्क टोटल 2 स्टूडेंट्स. सो आई विल राइट हियर 2. देन 2 मार्क्स मिले हैं टोटल 3 स्टूडेंट्स को. सो आई विल राइट हियर 3. एंड 3 मार्क्स मिले हैं टोटल 3 स्टूडेंट्स को. सो आई विल राइट हियर 3. 3 + 3 = 6, +2 इट मीन्स 8. सो 8 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4. अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. सो यहाँ क्वेश्चन इज गिवन, फॉलोइंग इज ए चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स
of class 6. So यहाँ को क्या है, in previous sum में क्या given था, marks given थे. So यहाँ सब 30 students है, वो उन सब को कौन सी स्वीट पसंद है, right? So यहाँ है लड्डू, बर्फी, then जलेबी and रसगुल्ला. टोटल 4 आइटम्स है, सब ने अपनी अपनी चॉइस बता दी है. सो वी हैव टू फाइंड अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स. जो प्रीवियस सम में हमने किया था ना, क्या किया था, सबसे पहले लेफ्ट साइड में मार्क्स थे, तो यहाँ वी विल राइट द नेम ऑफ द स्वीट्स. देन सेकेंड क्या करेंगे, टैली मार्क्स. इट मीन्स यहाँ क्या होगा, टोटल टैली मार्क्स. इट मीन्स यहाँ भी मिडल में यही होगा. एंड देन द नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है सबको क्या पसंद है. इट मीन्स लड्डू टोटल कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, देन जलेबी है वो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, राइट, लाइक दिस वे. सो एंड देन आफ्टर दिस वी विल गिव द फॉलोइंग आंसर. सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर आई विल मेक टेली टेबल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट योर स्वीट्स. देन नेक्स्ट क्या लिखूंगी, टैली मार्क्स. एंड देन आफ्टर क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लड्डू है ना, स्वीट्स. सो लड्डू, देन बर्फी, देन नेक्स्ट जलेबी, एंड द लास्ट वन इज रसगुल्ला. ओके, नाउ वी विल काउंट लड्डू. सो टोटल कितने लड्डू है, सो टोटल है 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 6, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. सो टोटल कितने हैं लड्डू, 11. So I will write here 11. If we want to write in tally marks, so 1, 2, 3, 4, then 5, 6, 7, 8, 9, then 10, and this one is 11. Now the next one है burfi. So burfi total क्या है, 1, 2 and then 3 है ना, टोटल 3. सो 1, 2, 3 आई विल राइट हियर 3. देन आफ्टर जलेबी, सो जलेबी टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. सो टोटल कितनी है, 7. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It means I will write here 7. And the last one is Rasgulla. So Rasgulla, it means yaha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So total 9 times. I will write here 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. अंडरस्टूड. नाउ सबका करेंगे टोटल, तो टोटल हो जाएगा 30 स्टूडेंट्स, राइट. सो 30 स्टूडेंट्स. नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू गिव द फॉलोइंग आंसर्स. द फर्स्ट वन है अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स. ये तो ऑलरेडी हमने क्रिएट कर लिया, दिस इज द फर्स्ट आंसर. And the next question is, which sweet is preferred by most of the students? Which sweets is preferred by the most of the students? It means, सबसे ज़्यादा जो sweet है, ये कौन सी पसंद है सब students को? So, कौन सी है यहाँ ज़्यादा? So, 11. It means, laddu, right? So, now we can say that, लड्डू
is preferred by most of students, है ना? Understood?